Dear friends, I am a man of education. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. The world requires a change. मारने के लिए बम बन रहे, सेनाएं लग रही, युद्ध हो रहे, जातियों के धर्मों के पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो रही, तलाक बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी तलाक हो रही है जिसका कुछ नहीं, डाइवोर्स है, ये सब भगवान के खिलाफ हो रहा है। यहाँ संत और महात्मा तरह तरह के कपड़े पहन के टोपी टोपी लगा के ये बताने में लगे हम कितने डिफरेंट हैं, कितने फर्क हैं। आज पूरे कुएं में भांग पड़ गई है, कोई ये नहीं बताने को तैयार है कौन भैया परमात्मा एक है। ये मगन है, देखिए कितने मगन हैं संत जी, आप देखिए कितने खुश हैं इस बात से कि तिलक छापे लगा रखे और क्या क्या कर रखे, कोई दाढ़ी मूछे टोपे टोपियां फर्क सब, कोई ये कोई ये सब इसलिए कि हम अलग अलग हैं, दूरियाँ हैं। क्यों भैया दूरियां पैदा कर रहे हो? बहुत दूरियां हो चुकी हैं, बहुत मारामारी हो चुकी है, बहुत कत्लेआम हुआ है धर्मों के नाम पर, कितना और करोगे, कब तक करोगे? अब लोगों को बता दो कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, और ये किताबें एक खुदा की हैं, हर इंसान की है। कुरान हर इंसान के लिए, बाइबल हर इंसान के लिए, गुरु ग्रंथ साहब ये खुदा की वाणी है। खुदा तो सबका है, इसे सबकी है। गीता तो परमात्मा की वाणी है, ये तो सारी मानव जाति के लिए है। ये सब किताबें सारी मानव जाति के लिए, ये कोई किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, धर्म विशेष के लिए नहीं है, अज्ञान है। कई लोग तो लड़ते हैं तेरा भगवान बड़ा है कि मेरा अल्लाह बड़ा है। पंजाब में मुझे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मेरे बड़े से दोस्त थे, मेरे घर में रिटायर होने के बाद बैठते थे, तो चेयरमैन हो गए माइनॉरिटी कमीशन के। तो बोले कि भाई मेरे पास एक मुकदमा आया है। मैंने साहब क्या मुकदमा है? बोले कि जी वो एक गुरुद्वारे की जो कलंगी थी, तो मंदिर एक बनाया उसमें ऊपर कर ली उन्होंने। अब सरदार लोग कह रहे हैं तुम्हारा भगवान क्या हमसे बड़ा है, हमारे भगवान से। उनमें झगड़ा हो गया, काफ़ी मारपीट हो गई, अब वो मुकदमा मेरे पास आ गया। तो गांधी जी ये बताइए कि सिखों का भगवान बड़ा होता है कि हिंदुओं का? मुझे फैसला करना है। मैंने सर भगवान तो एक ही है, भगवान तो सिखों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका एक ही है। तो बोले क्या फैसला करें? हमने कहा कि आप कह दीजिए सिखों से कि तुम और ऊँची कर लो, जितना ऊंचा करना चाहो करो, वो भी ऊंचा कर ले। ऐसे ऐसे मुकदमे उनके पास आते थे। एक मुकदमा आया उनके पास कि साहब इसकी मूछें बहुत बड़ी हैं, मूछें कटवा दी। तो किस साइज की मूछें हों? तो मुझसे बोले कि गांधी जी कोई साइज बताइए फिट हो जिसमें कोई झगड़ा ना हो मूछों का। अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं जब MLA के लिए खड़ा हुआ मैं भी मूछे रखता था, तो एक साहब ने कहा इसकी मूछे उखड़वा लूँगा। मैं उसी वक्त गया नाई के पास, मैंने भैया तू मेरी मूछे काट दे। जैसे मैंने मूछे कटा ली, मैंने भाई साहब अब आप मूछे उखड़वा लीजिए, मैंने तो खुद ही उखड़वा दी। मेरे चाचा जी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। मुझे एक लड़के ने गाली दी, तो मैंने कहा चाचा जी एक लड़के ने मुझे आप गाली दिया तो तुमने क्या किया? मैं आपने कहा था कोई गाली दे तो जवाब में देना। नहीं नहीं तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैंने कहा ही के लिए, अरे उसने गाली दी तो उसके धन्यवाद नहीं दोगे? तुमसे कोई पैसे लिए? नहीं पैसे तो नहीं लिए, फ्री में दी ना। हाँ फ्री में दी, तो कोई चीज़ फ्री में दोगे तो कुछ उसको तुम धन्यवाद भी नहीं दोगे क्या? तो उन्होंने सिखाया कोई गाली दे रहा है फ्री में। एक दिन मुझे किसी ने चाटा मारा, तो मैंने कहा चाचा जी मुझे चाटा मारा तो तुमने क्या किया? आपने बोला था कुछ नहीं करना है मेरा,
नहीं नहीं तुम्हें कहना चाहिए था भाई साहब एक गाल पे मारा है एक और पे मार दीजिए ना, इसमें जरा देखिए लाल लाल हो गया, इसमें भी मार देंगे ये भी जरा लाल हो जाएगा, देखने में हम सुंदर लगेंगे। तुम्हें चाटा मारा तुमसे कुछ लिया नहीं, फ्री में दिया ना भाई, फ्री में दे रहा है कोई चीज़, तुम्हें गाली दे रहा है कोई मार रहा है फ्री में तो उसको धन्यवाद नहीं दोगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे किसी ने गाली दी, मैंने भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें किस बात का धन्यवाद दे रहे, मैंने भाई साहब आप इतने दयालु हैं, आपने गाली दी और कुछ भी नहीं लिया हमने, फ्री में दी। भाई साहब आज सवेरे से नाश्ता भी नहीं दिया किसी ने, कुछ भी नहीं दिया, आप पहले दाता हो, कुछ तो दिया, गाली ही दी। अरे मेरा तो फ़ायदा हो गया। बोले आपका क्या फ़ायदा हुआ? मैंने भाई साहब मैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया। देखिए ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ आएगी, बहुत गालियाँ मिलेंगी, तो मुझे आज आपने गाली दी, मैंने बर्दाश्त कर ली, तो मुझे बर्दाश्त की ट्रेनिंग होगी मेरी जीवन में, तो बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आपने मुझे एक ट्रेनिंग दे दी कि धैर्यपूर्वक सहन करो, गॉड विल इंक्रीज द रिवार्ड ऑफ देम दैट एंड्योर विद पेशेंस इन द पाथ ऑफ गॉड। जो ईश्वर की राह में धैर्यपूर्वक सहन करेंगे ईश्वर उनका इनाम बढ़ा देगा। तो धैर्यपूर्वक सहन करो, ईश्वर इनाम बढ़ा देगा। कोई गाली दे आप कभी गाली मत देना, आप उसको धन्यवाद देना, कहना कि भैया, और कह देना क्या सवेरे से किसी ने कुछ नहीं दिया भैया, आज तुम भूखे भी हैं, इसने चाय नाश्ता भी नहीं दिया, आप पहले दाता हो, कुछ तो दिया, फ्री में दिया, गाली दी आपने, सब फ्री में दी भाई साहब, तो फ्री फंड में आपने गाली दी, मेरा क्या नुकसान है? और मेरे अंदर तो धैर्य की शक्ति भी पैदा कर दी आपने, आपने गाली दी मैंने धैर्य को सहन किया, तो इसमें ईश्वर तो मेरा इनाम बढ़ा दे। प्रिय मित्रों कुछ चीज़ें मैं बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा, देखिए क्योंकि आज मेरा आखिरी है, कल आप लोगों को बोलना है, एक तो यहाँ से सीख के जाना है जो आपको पहले दिन हमने वर्ल्ड की पार्लियामेंट करके दिखाई कि विश्व की एक पार्लियामेंट बनानी है, जैसा कि हमारे देश के संविधान में भी है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, सी फर्स्ट रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड डी एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। दूसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व के लिए एक कानून हो और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें, अर्थात जो राष्ट्र भी उस कानून का सम्मान न करे उसे दंडित किया जा सके, ऐसी व्यवस्था दुनिया की। और चौथा, एंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि यदि कहीं भी आपसी मतभेद हो जाए तो उनका दो देशों में तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि आर्मी से, युद्धों से नहीं, सेनाओं से नहीं, न्यूक्लियर बमों न्यूट्रॉन बमों से नहीं, बल्कि आर्बिट्रेशन से हो। आर्बिट्रेशन माने मध्यस्थता के द्वारा हो। मध्यस्थता कौन करेगा? अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा है, इसकी मध्यस्थता कौन करेगा? इसके लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट कर सकती है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट में जाए और वर्ल्ड गवर्नमेंट जो फैसला दे, यदि मंजूर नहीं है इंडिया को या पाकिस्तान को, तो वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, विश्व न्यायालय में, और वहाँ भी मंजूर नहीं है न्यायालय का फैसला भी, तो विश्व की संसद में जाए, वर्ल्ड पार्लियामेंट में। तो हमें वर्ल्ड पार्लियामेंट बनानी होगी जो कल यहाँ बच्चों ने दिखाई, हमें वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाना पड़ेगा, वर्ल्ड का न्यायालय जो आज नहीं है। तो इसलिए और ये काम सब बच्चों को करना है, क्योंकि बड़ों ने तो दुनिया में बम भर के रख दिए शॉर्ट साइटेड नेट के कारण, फार साइटेड नहीं थे, दूरदृष्टि नहीं थी, नज़दीक क्या सोचा उन्होंने। अमेरिका ने जब बम गिराया था हिरोशिमा नागासाकी पे, तभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, 3,000 आदमी
مشکل سے آدھا گھنٹے میں مارے گئے. تو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم ہی حملہ کر سکتے ہیں, کوئی دوسرا حملہ نہیں کرے گا. تو پریے بچوں, یہ سب کام آپ کو کرنا ہے. تو کیونکہ دا فیوچر آف اوور 2.5 بلین چلڈرن آف دا ورلڈ اینڈ دا جنریشنز یٹ ٹو بی بورن ہیز بیکم پروگریسولی مور انسیکیور اینڈ انپروٹیکٹیڈ ڈیورنگ پاسٹ 7 ڈیکیڈز سنس دا بامبنگ آف ہیروشیما اینڈ ناگاساکی اینڈ ریسنٹ اسپریڈ آف انٹرنیشنل ٹیررزم گلوبل وارمنگ environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition, and ever-increasing expenditure on military research, and fear of a third world war and a nuclear holocaust. Tisra vishuddh ho sakta hai, aur nuclear holocaust. Sari duniya jal jal ke ek do ghante mein sab kuch samapt ho jayega. Nuclear bomb chale to. Kyunki ab jo war hogi, wo conventional war nahi hogi. Jaise pratham mahayudh hua, dutiya mahayudh hua. Ab jo war hogi, تو نیوکلیئر وار ہوگی. اور نیوکلیئر وار میں اوپر سے بم جب گریں گے تو کچھ نہیں, سب زمین پر سب کچھ سماپت ہو جائے گا. نہ گھر رہیں گے, نہ مکان, نہ پشو, نہ کوئی استری, نہ پرش, نہ کوئی بالک, اس سنسار میں کچھ نہیں رہے گا, سب کچھ سماپت ہو جائے گا. اتنے نیوکلیئر بم بنے رکھے. اور یہ ہمارے جو بڑے لوگ انکل جی ان لوگوں نے اگیانتا وش شارٹ سائٹڈنیس کے کارن, ادور درشتا کے کارن یہ سب کام کر ڈالا. تو آپ دور درشی بنے, فار سائٹڈ بنے, ویژنری بنے. اس کے لیے یہ میک فیئر کیا گیا ہے تاکہ آپ سب آئیں, سارے ہندوستان بھر کے بچے, ودیشوں سے بچے آئیں, اور سب مل کے وچار کریں کہ دنیا کو ایک دن دنیا ایک کروں گا, دھرتی سورگ بناؤں گا, وشو شانتی کا سپنا ایک دن سچ کر کے دکھلاؤں گا. ون ڈے آئی ول یونائٹ دا ورلڈ. یہ مشن آپ کا ہونا چاہیے. انڈیویجولی اپنے من میں طے کر کے جاؤ کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں, کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں اس کلاس روم سے. ہر کلاس روم میں کوئی نہ کوئی ٹیچر نیا آتا ہے, کوئی فزکس پڑھاتا ہے, کوئی کیمسٹری, کوئی زولوجی, کوئی باٹنی, کوئی لینگویج, کوئی لٹریچر, کوئی کمپیوٹر سائنس, کوئی میتھمیٹکس, سب الگ الگ ٹیچر آتے ہیں. اور آج ہم ایسے بھی ٹیچر آئے ہیں جو آپ کو دھرموں کی ایکتا, وشو کی ایکتا, مانوات کی ایکتا, سارا وشو ایک پریوار ہے. یہ سب زمین ہے میری, یہ آسمان ہے میرا, مکین ہر مکان میں, ہر ایک مکان ہے میرا. میں کیوں کہوں کہ بس میرا وطن یہ ملک ہند ہے, کہ میں ہوں سارے جہان کا, سارا جہان ہے میرا. بی جنرس ان پراسپیرٹی اینڈ تھینک فل ان ایڈورسٹی, وی وردی آن دا ٹرسٹ دائی نیبر, آئی لک اپان ہم ود برائٹ اینڈ فرینڈلی فیس, بی اے ٹریجر ٹو دا پوئر اینڈ ایڈمونیشر ٹو دا رچ, اینڈ آنسر ٹو دا کرائی آف دا نیڈی, اے پریزرور of the sanctity of thy pledge. Be fair in thy judgment and guarded in thy speech. Be unjust to no man, show all meekness to all men, be as a lamp unto them that walk in darkness, a joy to the sorrowful, a sea for the thirsty, a heaven for the distressed, an upholder and defender of the victim of oppression. Let integrity and uprighteousness distinguish all thine acts. Be a home for the stranger, a balm to the suffering, a tower of strength for the fugitive, be eyes to the blind and a guiding light unto the feet of weary, be an ornament to the countenance of truth, a crown to the brow of fidelity, a pillar of the temple of righteousness, a breath of life to the body of mankind, an ensign of the host of justice, a luminary ever the horizon of thy virtue, a dew to the soil of the human heart, an ark on the ocean of knowledge, a sun in the heaven of bounty, a gem on the diadem of wisdom, a shining light unto the firmament of thy generation, a fruit upon the tree of humility. We'll be right back.
इस दुनिया में अरबों की संख्या में लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, परंतु संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सोच, जिनकी बातें, जिनके कार्य और जिनका जीवन संपूर्ण विश्व की एकता और विश्व शांति जैसे व्यापक उद्देश्य हेतु बलिदान एवं समर्पण की महान गाथा है। सौभाग्य से विश्व में एक ऐसा बिरला और अनोखा व्यक्ति है जिसे लोग डॉक्टर जगदीश गांधी के नाम से जानते और पहचानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो वर्ष 1959 से एक अनोखे मिशन के लिए दिन भर कार्य करने के अलावा सोते वक्त भी चिंतन करता रहता है और इस मिशन की सफलता के लिए सदैव समर्पित रहता है। जी हां, डॉक्टर जगदीश गांधी का एकमात्र मिशन है विश्व एकता के द्वारा विश्व में शांति स्थापित करना। इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जगदीश गांधी ने अति सीमित साधनों, शक्तिशाली दृष्टिकोण और अनेक आशाओं के साथ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की। उद्देश्य था कि एक दिन सभी विद्यार्थीगण सीएमएस के द्वार और प्रांगण से गुजरते हुए विश्व एकता और विश्व शांति के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर जगदीश गांधी एक सुप्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और विश्व के सबसे बड़े स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक प्रबंधक हैं। सीएमएस यानी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विश्व का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सीएमएस का नाम दर्ज है। वर्तमान में तकरीबन 55,000 छात्र छात्राएं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के 18 कैंपस हैं जो कि लखनऊ शहर के विभिन्न भागों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को वर्ष 2002 में शिक्षा के द्वारा शांति का प्रचार और प्रसार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के यूनेस्को प्राइज फॉर पीस एजुकेशन से सम्मानित किया जा चुका है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इस प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार को प्राप्त करने वाला समूचे विश्व और भारत का प्रथम विद्यालय है। प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के गोमती नगर प्रथम कैंपस में विश्व एकता सत्संग का आयोजन किया जाता है। इस सत्संग में सभी वर्ग और समुदाय के लोग सपरिवार सादर आमंत्रित होते हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी पूर्व में लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी अतीत में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सिकंदरा राव निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों से विजय प्राप्त कर उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहे हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी को तमाम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजकीय पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय में डॉक्टर जगदीश गांधी ने एक विश्व शांति कार्यकर्ता और विश्व शांति दूत के रूप में अनेक देशों और प्रदेशों की यात्रा की तथा उन सभी स्थानों पर अपने विचारों और संदेशों से लोगों को जागरूक किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया नगर की कुंजी, फिलीपींस के प्रतिष्ठित गुइसी शांति पुरस्कार, जर्मनी का प्रतिष्ठित न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड और यूएसए का चेंज मेकर्स इनोवेशन अवार्ड, ये कुछ ऐसे सम्मान हैं जो कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने डॉक्टर जगदीश गांधी के सफल मार्गदर्शन में प्राप्त किए हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी को वर्ष 2009 में रूस के बशकीर स्टेट पेडागॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षा में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा डॉक्टर गांधी को संसार के विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों ने अनेक मानक उपाधियां प्रदान की हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी का मानना है कि मानवता के अस्तित्व के लिए एक विश्व न्यायपालिका का सृजन एक अंतिम और एकमात्र उपाय है और इसीलिए
विश्व के 2.5 अरब बच्चों तथा जन्म लेने वाली भावी पीढ़ियों के उज्जवल एवं सुरक्षित भविष्य के लिए उनके मार्गदर्शन में CMS के 55,000 विद्यार्थी विश्व एकता और विश्व शांति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा 18वां विश्व न्यायतंत्र शिखर समारोह तथा विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 8 से 14 नवंबर 2017 के दौरान कानपुर रोड शाखा के विश्व एकता सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर जगदीश गांधी के मार्गदर्शन में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा चलाए जा रहे विश्व एकता और विश्व शांति अभियान का मुख्य आकर्षण है वर्ष 2001 से निरंतर आयोजित एक अत्यंत सफल विश्व न्यायतंत्र शिखर समारोह तथा विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें अब तक दुनिया के 126 देशों के 1,000 से भी अधिक माननीय न्यायाधीश और राज्यों और गणराज्यों के माननीय प्रमुख भाग लेते आ रहे हैं। CMS Education envisions nurturing thoughtful world citizens, said the founder of CMS, Dr. Jagdish Gandhi. In mathematics and science, through debates, competitions, to interactions, and to various means. And another is to bring the children home to the mind that they are all brothers and sisters. They are the children of one God. They have to live in peace and harmony. And they have to make a better world. Yesterday you saw a program. This program is not for a cultural purpose. The program is altogether a training of the mind. What kind of education
we are imparting to our children. Education that is being imparted to the children is that you have to make a world government, a world parliament, and a world court of justice. बेटे थोड़ा सा इधर और आ जाओ, ये दोनों बच्चे इधर आ जाएं, थोड़ा सा थोड़ा और आ जाइए और जाइए, अब ये आप इस पर आइए, यहाँ से आइए, बिल्कुल हाँ यहाँ बैठिए, प्लीज कम, यस दैट्स वेरी गुड. सो डियर चिल्ड्रन, यू सॉ ए वर्ल्ड पार्लियामेंट. This is the need of the hour. We are creating the mindset of our children, and we want to tell you also, all the children who have come from various parts of India and abroad, that think in terms of preparing yourself for the future of mankind. I tell you, what is the condition of today? The future of over 2.5 billion children of the world and the generations yet to be born have become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades since the bombing of Hiroshima and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming, environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition to mass destruction, fear of a third world war, and a nuclear holocaust. So the youth and the children of this world, who are one third of the total population of this world is 7.5 billion. So one third is the 2.5 billion children, are the children and youth, and their future has become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades. It is becoming more and more insecure and unprotected by the creation of a nuclear bomb, neutron bombs, hydrogen bombs, oxygen bombs. The more and more bombs are created, the more and more the future of our children and youth becomes insecure and unprotected. Shikshatmak Sanskritik Karyakram Evam Chintan Hetu विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं.